जय हिंद साथियों, कैसे हो आप? से मैं स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपेंड नॉलेज। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट की गाइस फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में। कई फ्रेंड्स का डाउट था कि सर जो हमने पेपर दे रखा है उसका रिजल्ट कब तक आएगा और फ्रेंड्स आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बहुत कम नंबर है। फ्रेंड्स देखिए, इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप कितने नंबर हैं, आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, आप इसके भरोसे मत रहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना, आपका फ्रेंड्स कोई भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपका मैं क्लियर नहीं करूंगा। फ्रेंड्स आपके सभी डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। दोस्तों आपको वीडियो पूरा देखना है, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों मैं ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले अपना क्विज पर्सन देख लेते हैं दोस्तों आज का। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्विज क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? फ्रेंड्स हमारा पर्सन है आज का ये, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी नूरजहां बेगम, ऑप्शन सी साहिबा बेगम, ऑप्शन डी रानी सुल्तान। दोस्तों आप इसका आंसर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा अगर आपको आता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अभी देखिए आईटीबीपी 85 कॉन्स्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट 2018-19, इसमें दोस्तों बात करते टोटल पोस्ट के बारे में। आपकी फ्रेंड्स टोटल पोस्ट 85 थी और फ्रेंड्स अभी देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसी, टोटल 85 कॉन्स्टेबल एनिमल ट्रांसपोर्ट मेल की अगर बात करूं जिसमें दोस्तों आपकी टोटल पोस्ट 72 थी मेल के लिए। कॉन्स्टेबल फीमेल की बात करूं फ्रेंड आपकी इसमें टोटल पोस्ट 13 थी फीमेल्स के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले इसमें दोस्तों आपका पीईटी होता है, फिर आपका पीएसटी होता है जिसको हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं, फिर दोस्तों आपका इसमें रिटन टेस्ट होता है जो आपने दे रखा है ऑलरेडी, आप उसका वेट कर रहे हो मुझे पता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपके सभी डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। और फ्रेंड आगे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, फिर दोस्तों इसमें आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं आपके, फिर आपका मेडिकल होता है और आपका फाइनल सिलेक्शन भर्ती में हो जाता है दोस्तों, आपको पता ही होगा। ठीक है आगे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अगर आपके इतने नंबर हैं तो उम्मीद छोड़ दो, कई फ्रेंड्स के बहुत ही कम नंबर आ रखे हैं और आप सोचते हो कि आपके इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं उनको झूठी तसली से बाहर निकालना चाहता हूँ यार। अगर आप कितने नंबर है तो आप इस भर्ती की तैयारी छोड़ के आप किसी और भर्ती की तैयारी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें जनरल के बारे में, अगर आपके 60 नंबर बन रहे हैं जनरल में, 60 प्लस हैं तो आपका इसमें सेफ स्कोर है दोस्तों। अगर आपके 60 से कम नंबर बन रहे हैं तो आप इस भर्ती को छोड़ के आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो दोस्तों। क्या सुना आपने? अगर आपके 60 नंबर जनरल से बिलोंग करते हो, अगर आपके 60 नंबर हैं या फिर 60 से कम है फ्रेंड्स, तो आप इस भर्ती को छोड़ के किसी और भर्ती की तैयारी कर सकते हो, किसी और गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करो, आपका इसमें दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा। सच हमेशा दोस्तों कड़वा होता है, तो यार मैं किसी को मतलब किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं भाई, आप किसी और भर्ती की तैयारी कर सकते हो अगर आपके 60 से कम नंबर है जो जनरल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड्स कितने नंबर बन रहे हैं इस पेपर में आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है आगे चलते हैं। फ्रेंड्स बात करें ओबीसी के बारे में, अगर आप दोस्तों ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आपके फ्रेंड्स 55 नंबर बन रहे हैं फिर इससे कम नंबर बन रहे हैं, तो फ्रेंड्स इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी दोस्तों कर सकते हो। ठीक है आगे चलते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं हम एससी के बारे में, अगर आप दोस्तों एससी कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आपके 50 प्लस नंबर हैं तो ये आपका चांस है इसमें, अगर आपके फ्रेंड्स 50 से कम नंबर बन रहे हैं तो आपका इसमें कोई स्कोप नहीं है दोस्तों, आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और मुझे पता है कि स्टूडेंट को डीमोटिवेशन भी होगा क्योंकि किस टेस्ट इतने नंबर नहीं बन रहे हैं, तो दोस्तों देखिए डीमोटिवेट वाली कोई बात नहीं भाई, बहुत वैकेंसीज निकलती है भाई, स्टडी करो अच्छे मन लगा के यार, आपको भाई कोई नहीं हरा सकता भाई, आपको कोई भी नहीं हरा सकता भाई, जब दिल से मेहनत करोगे ना भाई आप 100% लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे भाई, गवर्नमेंट जॉब पा लोगे। ठीक है आपको टेंशन नहीं लेनी है भाई, आपको बस मेरे चैनल से जुड़े रहना है भाई, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब की न्यूज आती है आपको सबसे पहले बता देता हूँ भाई। ठीक है आगे चलते हैं। फ्रेंड्स बात करते हैं एसटी के बारे में, अगर आप दोस्तों एससी कास्ट से बिलोंग करते हो, अगर आपके 45 प्लस नंबर है फ्रेंड्स तो ये आपका चांस है इसमें, अगर आपके 45 से नीचे नंबर है तो दोस्तों आपके इसमें कोई चांस नहीं है, आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी दोस्तों कर सकते हो। बात करें फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन के बारे में, जो हमारे फौजी भाई होते हैं, अगर आपके दोस्तों 40 नंबर बन रहे हैं इसमें, 40 प्लस हैं तो ही चांस है आपके, अगर आपके 40 से कम नंबर है जो भी एक्स सर्विसमैन है जो फौजी भाई है हमारे, इसमें कोई चांस नहीं, अगर आपके 40 से कम नंबर है तो ध्यान दीजिएगा, 40 से कम नंबर वाले इस भर्ती के बारे में ना ही सोचे तो ही बेटर है यार। ठीक है और फ्रेंड्स आप कितने नंबर बन रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में, कई फ्रेंड का डाउट था कि सर हमारी फाइनल मेरिट कब तक बन के तैयार हो जाएगी, हमारा पेपर बहुत ही अच्छा हो रखा है। देखिए भाई बोलते सब हैं कि पेपर अच्छा हो रखा है, मेरे इतने नंबर है, मेरे 85 नंबर है, मेरे 70 प्लस नंबर है, भाई जब रिजल्ट आता ना भाई सबका फेस सामने आ जाता है कि किसके कितने नंबर है, किसने कितना पेपर अच्छा दे रखा है, सब सामने आ जाता है।
तो इतना कहूंगा मैं, अगर आपने पेपर दे रखा है, आपका पेपर अच्छा हो रखा, तो लोगों को मत बताइए, घर पे रहिए, आराम से रहिए, किसी के सामने अफवाह मत फैलाइए, मैं तो बस बहुत पढ़ता हूँ, ये है वो है, ज्यादा वो ना करे भाई। आपका पेपर अच्छा हो रखा है, वो भाई आपका रिजल्ट बताएगा कि आपका पेपर कैसा हो रखा है। ठीक है, आप बहुत समझदार हो, आप समझ गए होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अफवाह ना फैलाएं ज्यादा, और मन लगा के स्टडी करें बस। तो बात करें फ्रेंड आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक बन सकती है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए, मई लास्ट वीक, तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा दोस्तों, 3 मई तक लॉकडाउन है, 3 मई तक आपका रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों तभी लॉकडाउन अगर खुल जाता है मई, 3 मई के बाद, तो फ्रेंड्स मान के चलिए 100% बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, मई के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है दोस्तों, फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, जब दोस्तों आपका रिजल्ट आ जाएगा, मैं दोस्तों आप सबके लिए सबसे पहले वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको दोस्तों सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके, ताकि फ्रेंड्स जॉब के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं आईटीबीपी से रिलेटेड या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब वाली, वो आपको टाइम से मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, तो दोस्तों आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है गाइज। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको नीचे दोस्तों एक सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके फ्रेंड्स आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब भी दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, अपने चैनल पे डाल दूंगा आपका आईटीबीपी रिजल्ट के बारे में, आप फ्रेंड्स सबसे पहले वीडियो देख पाओगे अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करो भाई, चैनल सब्सक्राइब भी जरूर किया करो भाई। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से और वीडियो लाइक करने से भाई मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज गाइज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको गाइज कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी बात आपको पूछनी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका 100% दोस्तों रिप्लाई दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, और दोस्तों खुश रहा करो यार। ठीक है,